नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल जीके स्टूडेंट पॉइंट ऑफ डेट्स में आज की वीडियो में बात करेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी की ताजा अपडेट्स के बारे में आप लोग को बता कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर तमाम जितने भी डिग्री कॉलेज हैं उन बच्चों के माइंड में क्या चल रहा है उन बच्चों के क्या क्वेश्चन हैं इन सभी का रिप्लाई इस वीडियो में देने वाले हैं आप लोगों को बता दें अगर आप जम्मू कश्मीर से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आप लोग किसी भी कॉलेज से स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाले समय की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे और कौन कौन से कॉलेज के एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाले हैं काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन है ये और बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि हमारे एग्जाम अगर कॉलेज ओपन हो जाएंगे तो एग्जाम हमारे ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम का क्या होगा ऑल कैंपस मेन कैंपस में जो नोटिस आया था उसमें आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ के ऑनलाइन लिखे हैं बट डिटेल्ड नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आ रहा काफ़ी बच्चे अपने क्वेश्चन का जवाब चाहते हैं हमारी अपील भी रहेगी आप लोगों को बता दें कि जम्मू यूनिवर्सिटी से कि तमाम नोटिफिकेशन जल्दी से जारी करें और आपको बता दें कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी ओपन होने वाले हैं आप लोगों के कॉलेज ओपन होंगे अगर कॉलेज ओपन होंगे तो क्या एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे यही क्वेश्चन बच्चों के माइंड में चल रहा है आप लोगों को बता दें कि थर्ड और फिस्ट मेचुके स्टूडेंट्स एक सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं और अभी उनके माइंड में डबल माइंडेड ही हो रहे हैं उन्हें आगे की पढ़ाई करनी है उन्हें आगे की स्टडी करनी है एम ए डिस्टेंस में और रेगुलर में एडमिशन

वीडियो में आप लोगों को हम बता देंगे कि कौन कौन से डिग्री कॉलेज हैं जिनके एग्जाम ऑनलाइन तरीके से होने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के आपको बता दें काफी बच्चे हमें कमेंट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बार बार कि फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे डेट शीट्स कब आएगी ये क्वेश्चन काफी बच्चों के हैं इसलिए हमें वीडियोज बनाना पड़ा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आप लोगों को आखिरी कार तक देखना है इसके बाद हम डिटेल नोटिस आएंगे तो वीडियो बनाएंगे अदरवाइज वीडियोज नहीं बनाएंगे बार बार यही कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार थोड़ी और के बच्चे में है। वाले और के रेगुलर और तमाम वाले बच्चे परेशान अपने एग्जाम को लेकर क्लस्टर यूनिवर्सिटी जहां पर टोटली सोई हुई है क्लस्टर यूनिवर्सिटी अपनी ऑफलाइन क्लासेस कुछ ही दिनों में स्टार्ट कर सकती है और आप उनके अपकमिंग एग्जाम जो है उनको लेकर अभी तक कोई भी मीटिंग हेल्ड नहीं हुई है जम्मू यूनिवर्सिटी ने कुछ मीटिंग्स वगैरह हेल्ड करी है जिसमें ऑल कैंपस के लिए पहले निकाली थी उसके बाद आपको बता दें कि उन्हें फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर के तमाम जितने भी बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम ऑनलाइन को लेकर नोटिस निकाला है और भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए खास वीडियो है जी आपको बता दें कि जितने भी डिग्री कॉलेज हैं आप लोग इस वीडियो को पता नहीं शेयर नहीं करते तीन से ऊपर ज़्यादा बच्चे नहीं देख रहे डिग्री कॉलेज में इतने बच्चे पढ़ते हैं बट आपको बता दें कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर ज़रूर करें क्योंकि आप लोगों को किस तरह से एग्ज़ाम देने हैं किस तरह से आप लोगों को पीडीएफ बनाना है कुछ आप लोगों को मदद एग्जाम देना इतना आसान नहीं होता ऑनलाइन अगर आप लोग पीडीएफ वगैरह उल्टा सीधा अपलोड कर दोगे तो आप डिसिबिलिटी आएंगे आप लोगों को कौन से बाकी चलते हैं सबसे पहले नोटिस पर आप लोगों को बता फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम ऑनलाइन होने पर हमें जम्मू यूनिवर्सिटी से पूरी उम्मीद है कि ऑनलाइन ही बच्चों के एग्ज़ाम कंडक्ट कराएँ क्योंकि अगर आप लोगों ने क्लासेस ऑनलाइन लगाई हुई था एग्जाम भी ऑफलाइन ही लेने चाहिए एज़ पर माई प्रोडिक्शन एज़ पर माई आइडिया बट आपको बता दें कि जब तक नोटिस नहीं आता तब तक हम वेट करेंगे आपको बता दें कि नॉन सी के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के एग्जाम ऑनलाइन ही कंडक्ट होंगे बट जम्मू यूनिवर्सिटी हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू यूनिवर्सिटी जितने भी यू और पी की के कोर्सेज़ हैं उन सभी के एग्ज़ाम ऑनलाइन ही लें बट आपको बता दें कि

स्टडी पर आपका इम्पैक्ट पड़ा उसके मद्देनजर जहाँ पर फर्स्ट के एग्जाम जो है वो ऑनलाइन तरीके से कंडक्ट कराए जाने तरीके से करा जा रहे हैं आपको बताते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को शेयर करें अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स तक ताकि उन्हें भी अगर आप लोग अपनी स्टडी ज्यादा एक दूसरे से बांटेंगे तो आप लोगों को स्टडी आएगा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को अभी अपना फ्यूचर्स देखना है आपको बता दें कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को आगे

इंस्टाग्राम पेज रोहित पैंती अस्सी इकतालीस शामा के नाम से उसे फॉलो करें काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन है कि अगर कॉलेज ऑफलाइन लग जाएंगे तो क्या एग्जाम भी ऑनलाइन होंगे आपको बता दें कि इस तरह का कोई भी आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला अगर कॉलेज ऑफलाइन ओपन होने का आर्डर आ जाता है बट ये नोटिस चेंज नहीं होगा इस नोटिस के मुताबिक आपको एग्ज़ाम देने हैं कुछ कंसर्न टीचर भी यहाँ पर बच्चों को बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे और आपको बता दें कि फर्स्ट सेम के काफ़ी बच्चे हमें डेली पूछ रहे हैं कि हमारे एग्जाम ऑफलाइन होंगे जहाँ ऑनलाइन होंगे डेट शीट कब आएगी डेट शीट्स की बात करें तो डेट शीट्स को आने में कम से कम पंद्रह दिन लगेंगे डेट शीट्स में पूरा इंस्ट्रक्शन होगा किस तरह से आप लोगों को पीडीएफ बनानी है कौन से ऐप से पीडीएफ बनानी है आपको बता दें कि आप लोगों को पीडीएफ बनाने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके कंसर्न कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें आपको लिंक आएगा लिंक पर आप लोगों को अपने मोबाइल में पीडीएफ पहले पेज लेने हैं पेज पर पे फोटो क्लिक करने हैं फोटो क्लिक करने के बाद एक पी बनानी है पीडीएफ बनाने के बाद एक उस लिंक पर अपलोड कर देनी है और जो पेज आपके पास पड़े होंगे उन पेज को आपने कंसर्न कॉलेज में सबमिट करवाना है ये रूल एंड रेगुलेशन होगा वो उस डेट शीट्स में लिखा होगा तो आपको टाइम मिलेगा जे नहीं कि आप लोग सारा दिन बनाते ही रहेंगे। है किस तरह से आप लोगों को लिखना है वो स्टूडेंट पॉइंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाकी वो आपको अलग से बताया जाएगा इसलिए तमाम जितने भी डिग्री कॉलेज हैं फर्स्ट सेमेस्टर से कॉलेज का नाम मैं लिख लूंगा उस, उस कॉलेज के बच्चों के एग्जाम ऑनलाइन होने वाले हैं जी डी सी पलोडा जी डी सी कोर जी डी सखनूर के एग्जाम जो है वो ऑनलाइन तरीके से कंडक्ट होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर्स वालों का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने वाला है जैसे उनका नोटिफिकेशन आएगा उनको भी जानकारी दी जाएगी पहले फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कंडक्ट होंगे उसके बाद थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम कंडक्ट होने के लिए वाले हैं तो तमाम बच्चे थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर्स के बच्चे भी बोले हैं कि हमारे टीचर बोले हैं कि आपके एग्जाम ऑफलाइन होंगे आपको बता दें कि अभी तक कोई नोटिस नहीं है हमारे पास जिसमें लिखा हो कि थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम ऑफलाइन होंगे बट ऑनलाइन को लेकर थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी यहाँ पर लगती है क्योंकि मेन कैंपस कैम्पसल मेन कैंपस का जो डिटेल डिटेल्ड नोटिफिकेशन उसमें पॉइंट नंबर चार में लिखा है आल अपकमिंग एग्ज़ाम बट उसमें अभी जम्मू यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा त्रुटि किया है थोड़ा सा मिस्टेक किया है उसमें, उसमें उसने मैंशन नहीं किया कि अपकमिंग एग्ज़ाम जो लिखे हुए हैं वो जू के हैं या पी के हैं इसलिए कन्फ्यूज़न जो है वो क्रिएट किया हुआ है हम किसी भी कैंडिडेट्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते लेकिन स्टूडेंट पॉइंट का ऑलवेज़ फोकस जम्मू कश्मीर के यूथ को मोटिवेट करना उनको स्टडी के रिलेटेड गाइड करना और उनको सरकारी नौकरियों की तरफ ध्यान देना है बाकी आप लोगों को सोचेंगे कि व्यूज के लिए वीडियो डालता रहता है बंदा ये बार बार बट हमारा काम ये नहीं है आपको कि सबका माइंड एक जैसा नहीं होता तमाम स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे बार बार डिप्रेशन में चल रही हैं कोविड नाइनटीन के मद्देनजर और साथ में प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं हो रही जेके स्टूडेंट पॉइंट आप लोगों को बता दें कि दो हजार से यूट्यूब पे वर्क कर रहा है हमें पूरा पता है कि किस तरह का वीडियोज डालना है और किस तरह के बच्चों के माइंड में क्या चल रहा है आपको बता दें कि अखनूर कॉलेज वाले चेक करेंगे जी डी सी जी डी सी और जीडीसी अखनूर के क्वेश्चन पेपर बाकी आरएसपुरा वाले चेक करेंगे जी डी सी बिश्नाथ जी आर के उसके बाद सांबा वाले जी सांबा जी हिरानगर वाले कॉलेज के आंसर स्क्रिप्ट जो है वो कलेक्ट collect करेंगे कलेक्शन एंड अवेलेन ऊपर पॉइंट नंबर पाँच में पढ़ सकते हैं हमारी कार्रवाई हमेशा नोटिफिकेशन के आधार पर होती है और आपको बता दें जैसे जैसे नोटिस आएंगे आपको डिटेल जानकारी दे देंगे जो जे लंबा वीडियो होगा बाकी उध थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के सारे डाउट्स थर्ड फिफ्थ और फर्स्ट सेमेस्टर के सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करेंगे उधमपुर कॉलेज वाले चेक करेंगे जी डी सी बॉयज़ उधमपुर जी डी सी वूमैन उधमपुर जी डी सी राम जी डी सी जिंद्रा और जी डी सी मजालता के आंसर स्क्रिप्ट फर्स्ट सेमेस्टर का डिटेल नोटिफिकेशन है ये जी डी सी रियासी जी डी सी दमादरी जी डी सी सारा बागा माहौर कॉलेज के रियासी कॉलेज वाले सबमिट करवाएंगे आप लोगों को बता दें कि जैसे आप लोगों के ऑफलाइन क्लासेस वगैरह लगेंगी तो इन फ्यूचर हमें मौका मिलेगा तो हम जरूर आपके कंसर्न कॉलेज में आएंगे और आप लोगों से आपसी बातचीत भी करेंगे आप लोगों को बता दें कि जे के स्टूडेंट पॉइंट एक देसी बंदा है आप लोगों को लड़ी पता है भद्रवाह की बात करें तो जी डी सी डोडा जी डी सी कल्होत्रा जी डी सी भद्रवाह जी डी सी ताथरी भे भद्रवाह कॉलेज के क्वेश्चन पेपर जो कलेक्ट करेगा जी डी सी किश्तवाड़ जी डी सी चारू चित्रू जी डी सी मजारवा आपका किश्तवाड़ जी डी सी रामबन जी डी सी बनिहाल जी डी सी गोल कॉलेज के रामबण में कलेक्ट होंगे आंसर सिर्फ जी डी सी रजौरी जी डी सी थाना मंडी जी डी सी नछारा बुडल जी डी सी सुंदरबनी जी डी सी कालाकोट एफ सी बी एस वूमेन डिग्री कॉलेज रजौरी हिमालयन डिग्री कॉलेज और रजौरी एस बी एस कॉलेज सुंदरबनी के एग्जाम रजौरी कॉलेज वाले चेक करेंगे जी डी सी पुंछ जी डी सी सूरकोट जी डी सी मैंडर मेडिकोस कॉलेज मैंडर इन सभी के एग्जाम पुंछ कॉलेज में होंगे और आपको ददित कि जिस कॉलेज का फॉर एग्जांपल चेन्नई कॉलेज का नाम नहीं बट इन सच चेन्नई कॉलेज वालों को भी उधमपुर कॉलेज में ही अपने आंसर शीट सबमिट करवाने होंगे आंसर शीट सबमिट करवाने का रिस्पांसिबिलिटी आपके कंसर्न कॉलेज टीचर को होगा आप लोगों को अपने अपने कॉलेज में अपनी आंसर शीट सबमिट करवानी है आंसर शिफ्ट का मतलब कि आपको जो असाइनमेंट्स जो आपने जो ऑनलाइन पेपर बनाने हैं वो आपको हम बता देंगे जैसे ही डेट शीट्स आएगी डेट शीट आने में कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे डेट शीट्स आएगी तो उसमें पूरा इंस्ट्रक्शन दिया होगा एक एक पॉइंट जेके स्टूडेंट पॉइंट आप लोगों को के दिखाएगा और एक एक पॉइंट आप लोगों को अंडरस्टैंड कराएगा इसलिए आप लोग डीमोटिवेट ना हो स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों ने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम ऑनलाइन देने हैं आप लोग अपने कॉलेज वालों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बता सकते हैं बाकी आप लोगों को बता दें कि अगर आपके टीचर ऑफलाइन एग्जाम बोलते हैं अग फर्स्ट सेमेस्टर्स के तो आप लोग उन्हें वीडियोज भी देख सकते हैं आज के नोटिस तक जो आपके एग्जाम ऑनलाइन होंगे कॉलेज ओपन हो या बंद हो वो मैटर नहीं करता इसलिए आप लोग अपने थोड़ी बहुत स्टडी करें क्योंकि आप आज अभी बी वालों के जो चौदह से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं उनको उन्होंने साफ साफ लिखा किया कि आप लोग नकल नहीं मार सकते आप लोग बुक से नहीं देख सकते आप लोग गूगल से नहीं देख सकते अगर आप लोगों के डिटेल डेटशीट पर भी इस तरह का नोटिस आया तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इसलिए आप लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं अगर एग्जाम ऑनलाइन होने हैं फिर भी आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी फिफ्टी परसेंट पढ़ाई कर लो पुराने पेपर हम अपलोड कर रहे हैं इंस्टाग्राम पेज रोहित पैंतीसी इकताली शर्मा के नाम से है उसे फॉलो कर लो बाकी दूसरा नोटिस की बात करें तो डिटेल्ड नोटिफिकेशन जहां पर फर्स्ट सेमेस्टर्स का ऑलरेडी आ चुका है वह अब बारी है थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की हमें पूरी उम्मीद है कि मंडे और ट्यूसडे को जब बैटर्सडे तक आप लोगों का नोटिस जम्मू यूनिवर्सिटी जारी करेगी तमाम जितने भी थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम हैं एग्जामिनेशन फॉर्म है वो अपने अपने कंसर्न कॉलेज में सबमिट हो रहे हैं बहुत ही जल्द आप लोगों के कॉलेज ओपन होने वाले हैं जहां पर लेफ्टिनेंट गर्नल मनोज सिन्हा ने तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर्स को आर्डर दे दिया है कि वह जल्दी से मीटिंग हल्ड करें और फर्स्ट मीटिंग जो है वो रजौरी में चौदह तारीख से शुरू हो रही है अपने अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्स में आप लोगों की मीटिंग हल्ड हो रही है स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी ओपन करने को लेकर लेफ्टिनेंट गर्नल मनोज सिन्हा का जो ट्वीट है वो कल का आ चुका है दसवीं बारहवीं के एग्जाम भी आप लोगों को स्टार्ट होने वाले हैं बट जहाँ पर बात कॉलेज के स्टूडेंट्स का हो रहा है जीकि स्टूडेंट पॉइंट जो भी बात करता है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन करता है तमाम डिग्री कॉलेज की बात हमने कर ली है और बाकियों की भी आप लोगों को बता दी कि आने वाले समय में आप लोगों को एडमिशन्स वगैरह लेना होगा ये एकमात्र एक ऐसा चैनल जम्मू कश्मीर में जो आप लोगों को स्कूल कॉलेज के रिलेटेड जानकारी टाइमली प्रोवाइड करवा रहा है काफी बच्चे कन्फ्यूजन में है अपने एग्जाम को लेकर आप लोगों को बता दें कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग तेरह सेवनटीन पॉइंट समथिंग है आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ सरकारी नौकरियों की तरफ भी ध्यान देना होगा बिना आप लोगों को बता दें काफ़ी दिक्कत रहेगा इसलिए आप लोगों का जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा है। जुड़े थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट थोड़े मैच्योर स्टूडेंट्स हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं किस तरह से सिस्टम रहता है बट फिर भी आप लोग अपने थोड़ी बहुत नॉर्मल हिंट के लिए नॉर्मल आप लोगों को बता दें कि हमारा इंस्टाग्राम आईडी है रोहित पैंती आसी अगतालीस शर्मा आपको बता दें कि अगर आप फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम को लेकर जम्मू जम्मू जन्व, यूनिवर्सिटी जन्व, कुछ गड़बड़ करता है अगर आप लोगों के एग्ज़ाम ऑफलाइन को लेकर डेट शीट्स वगैरह या कुछ इस तरह का इंस्ट्रक्शन आता है तो आप लोगों को बता दें कि जितने भी आप लोगों के आ, स्पोर्टर हैं फॉर एग्जांपल सौरभ चौधरी सर हो गए उधर आप लोगों को बता दें कि आप लोग एक आज एक लोत्रा सर हो से हमारी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी अपील रहेगी और आपको बता दें कि छोटा मोटा प्रोटेस्ट भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है पीसफुली आपको क्लियर करवा दें कि जेके स्टूडेंट पॉइंट किसी भी प्रोटेस्ट को लीड नहीं करता किसी भी कैंडिडेट्स को प्रोटेस्ट के लिए जागरूक नहीं करता या आप लोगों को माइंड में रखना है इसलिए अपने माइंड में रखना है बट जेके स्टूडेंट पॉइंट की एलबीज सपोर्ट आप लोगों के साथ होगी जेके स्टूडेंट पॉइंट किसी भी पोलिटिकल पार्टी के साथ सपोर्ट नहीं करता चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो आप लोगों की कांग्रेस की जैनसी की कोई भी पोलिटिकल पार्टी हो स्टूडेंट पॉइंट का सपोर्ट सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स अपनी फिटनेस रखते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है वो स्टूडेंट्स जो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं जो आप अपने एग्जाम के बारे में सोचते हैं आपको बता दें कि जेके स्टूडेंट पॉइंट की, की हेल्प यही है कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए गवर्नमेंट जॉब के तरफ भी और जहां पर एग्जाम के रिलेटेड उन्हें फोकस किया जाए आप लोगों को बता दें कि तमाम बच्चे जो है वो जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है उसके मद्देनजर काफी परेशानी कंपनी पर देखने को मिल सकती है इन फ्यूचर और हमेशा आप लोगों को मोटिवेट किया है टाइमली आप लोगों को एग्जाम सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान देना है कॉलेज की स्टडी अलग होती है और कम्पिटेटिव एग्जाम का सिलेबस अलग होता है इसलिए अपनी मेंटल एबिलिटी को कम्प्लीट करने के लिए आप लोगों को करंट अफेयर के साथ साथ बाकी भी पढ़ना पड़ेगा बाकी हम लगातार इंतजार करें जैसे डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी होते हैं आप लोगों को उसी समय जहाँ पर वीडियोस के जरिए अपडेट्स करेंगे आ मुझे पूरी उम्मीद है कि जहां पर तमाम बच्चों के फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ मैचेस के जितने भी डाउट्स चल रहे हैं वो कवर हो गए होंगे ऑल द बेस्ट इस वीडियो को कम से कम चार से पाँच हज़ार बंदे देखना चाहिए ताकि उन्हें भी जहाँ पता चल सके हम स्टे ट्यून हैं जैसे ही नोटिस आएगा बाकी इंस्टाग्राम आई डी रोहित पैंती अस्सी इकतालीस शर्मा के नाम से है आप लोग रिक्वेस्ट भेजें हमने प्राइवेट रखा है अकाउंट कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उसके लिए आप लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे थोड़ी देर के बाद और आप लोग पर्सनली मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं पुराने पेपर थर्ड फिफ्थ और फर्स्ट सेमेस्टर्स के हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं अभी फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर्स के उसके बाद जैसे आप लोग ऑफ़लाइन क्लासेस लगेंगी तो आप लोगों को सेकेंड फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर्स के भी आप लोगों को पुराने पेपर प्रोवाइड करवाएंगे पुराने पेपरों के आधार पर आप लोग स्टडी करेंगे आपको बता दें कि बहुत ही टफ़ पढ़ाई होता है कि कॉलेज में ग्रेजुएशन करना कोई आसान काम नहीं इसलिए आप लोग फोकस करें आप लोग अच्छे मार्क्स लाएंगे तो घर वाले खुश होते हैं अगर आप लोग सरकारी नौकरी लगेगी आपकी तो घर वाले खुश होंगे अगर आप लोगों के घर वाले इतना खर्चा कर कर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को उस खर्चे का जवाब जो है उनको देना होगा आप लोगों को जो जो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी पेरेंट्स ने दो लाख या तीन लाख आपकी पढ़ाई पर खर्चा है तो आप लोग उन्हें कमा के उन्हें वापस करने होंगे अगर आप लोग उन्हें वापस करते हैं उनको काफ़ी खुशी मिलती है जब आप लोगों के पेरेंट्स खुश होंगे तो आप लोग ही खुश होंगे अगर आप लोग पेरेंट्स को आ, कुछ नहीं करेंगे आप लोग पेरेंट्स के लिए कुछ करेंगे नहीं अगर वो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको रिस्पॉन्स नहीं देंगे वो आप लोगों के लिए गलत बात होगा इसलिए आप लोग ध्यान रखें जो भी कार्रवाई करनी है कंट्रोल में करनी है एजुकेशन का मीनिंग ही मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है आप लोग आप खुद समझदार है बट आपको बता दें कि जेके स्टूडेंट पॉइंट एक पुराना चैनल है दो से जम्मू कश्मीर के यूथ को अपग्रेड कर रहा है बट अभी इंस्टाग्राम पेज नया पेज बनाया हमने अभी जस्ट ही बाई फेस हम आए हैं और आपको बता दें कि बहुत ही जल्द ये चैनल पर आगे स्पोर्ट्स आप लोग करेंगे तो आगे जाएगा हमारा काम अपडेट्स करना है जानकारी देना है बीस मिनट का वीडियो लगभग हो गया इसके लिए सॉरी इतना लंबा वीडियोस नहीं बनाते आजकल किसी के टाइम के पास टाइम नहीं होता बट जिस तरह की कंडीशन चल रही है जिस तरह से बच्चों का माइंड जो है डबल माइंडेड हो रहा है एग्ज़ाम ऑनलाइन ऑफलाइन को लेकर क्लस्टर यूनिवर्सिटी अभी तक सूई हुई है वो अपने ऑनलाइन ऑफलाइन एग्ज़ाम क्लासेस लगाने को लेकर रेडी है बट जम्मू यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेज भी ऑफलाइन क्लासेस या ऑफलाइन यहाँ पर सिस्टम जो है वो करने वाला है बट आपको बता दें कि आप लोग इस वीडियो में समझ चुके होंगे कोई भी डाउट्स होंगे क्यूरीज होगी कमेंट करके जरूर बताएँ किस कॉलेज के स्टूडेंट हैं आप लोग की डिमांड क्या है कमेंट करें और इसके बाद इतना बड़ा लंबा वीडियो नहीं होगा आपको बता दें कि लास्ट वीडियो है जैसे डिटेल नोटिफिकेशन हमें पूरी उम्मीद है जम्मू यूनिवर्सिटी पर थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का नोटिस विद इन डे देखने को मिलेगा ऑल द बेस्ट जिस जो बंदा हमारे चैनल से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है जिसको कोई परेशानी हो रही है वो चैनल से आज ही रिमूव हो सकता है जो बंदा खुद मैच्योर है खुद ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करता है खुद वेबसाइट पर विजिट करता है वो चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे और बाकी देखिए स्टूडेंट पॉइंट हमेशा डिसिप्लिन चाहता है अपने चैनल पर जो भी कमेंट करना है वो सोच समझ के करना है ऑल द बेस्ट